हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। सो आज हम बनाने वाले हैं लेमन टी। जी हाँ गाइस, आज हम होममेड लेमन टी बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें इंग्रेडिएंट लेना है, शुगर लेना है। तो शुगर मैंने हम यहाँ पे हाफ टी स्पून लिया है, और ये नींबू है, यहाँ पर मैंने चाय पत्ती ली है हाफ टी स्पून, और ये यहाँ पर अदरक है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं होममेड लेमन टी बनाना। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी को उबाल आने के बाद हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे। ये देखिए, पानी हमारा बॉईल होने लगा है, अब हम इसमें चाय पत्ती ऐड करेंगे और शुगर, और ये जो अदरक कद्दूकस किया था वो अदरक ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे ताकि चाय पत्ती का कलर अच्छा आ जाए। ये देखिए गाइस, हमारी चाय पत्ती बॉईल हो चुकी है और इसमें कलर भी आ चुका है। अब हम इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी चाय पत्ती का कलर आ चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। अब हम इसमें जो आधा नींबू लिया था वो डाल देंगे। और अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने इसको कप में छान लिया है, कितना अच्छा कलर लग रहा है। और ये देखिए मेरा कप, ये मेरा बहुत फेवरेट है, और इसमें मैंने बनाया है लेमन टी। सो गाइस, हमारी होममेड लेमन टी इस रेडी है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो मैंने इसको कप में निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप नींबू डालिएगा, तुरंत मत डालिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद नींबू डालिएगा और फिर इसको कप में निकाल लीजिएगा। तो हमारी होममेड लेमन टी तैयार है। तो गाइस, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पास ही में बेल आइकन का बटन है तो उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।